अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। यूपी पुलिस की एक बहुत बड़ी दरियादिली देखने में सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि यूपी पुलिस ने एक मुस्लिम शख्स की जो दिव्यांग है, कपाइज है, मोहताज है, उसकी मदद की है। किस चीज़ में मदद की है मैं आपसे बताऊंगा। थोड़ी सा आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि हमारी यूपी की पुलिस हो या यूपी के बाहर की पुलिस हो, इनमें हर तरह के लोग होते हैं, जो बहुत से लोग अच्छे काम करते हैं। पुलिस को तो रखा ही जाता कि ये लोगों की रखवाली करे, कानून की रखवाली करे, हर चीज़ की, मुल्क की हर चीज़ की रखवाली करे। लेकिन इन पुलिस के अंदर भी हर महकमे के अंदर कुछ ना कुछ गद्दार और या फिर रिश्वतखोर ऐसे आ जाते हैं जो हर महकमे को बदनाम करने के ऊपर तुले हुए होते हैं। ये तो पुलिस का मामला है, ऐसे ही मामला यूपी के अंदर योगी जी के राज के अंदर, जो योगी जी ट्विटर पर लिख रहे हैं, और पता नहीं बच्चों का सा खेल मुझे लग रहा है कि कोई भी अधिकारी गलत काम नहीं करे, कोई भी जो है किसी भी गलत इंसान को, गलत शख्स को काम ना दिया जाए और किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, इस तरह की बातें ट्विटर पर योगी जी रोज़ाना शेयर करते रहते हैं। लेकिन देखने में नतीजा ये आ रहा है सामने, ऐसे मामला सामने आ रहे हैं जो बिल्कुल उल्टे हैं। जो पहली हुकूमतों में थे वो तो थे ही गुंडाराज चल रहा था, लेकिन उस वक्त में ऐसा चलता था कि टाइम लगता था लोगों को रिश्वत देने में, मुकदमात को उससे भरी होने में। लेकिन अब जो है ना, ऐसा हो रहा, दो चार महीने में इधर से इधर हो जाता, एक दो महीने में इधर से इधर हो जाता, और ऐसी गुंडागर्दी चल रही है। हो सकता है योगी जी को मालूम हो, अगर मालूम है तो फिर ये बहुत गलत फहमी है और बहुत बड़ी गलत बात है कि फिर लोगों के साथ ये खिलवाड़ योगी जी कर रहे हैं। और अगर मालूम नहीं है तो इसके ऊपर तहकीक करनी चाहिए। सिर्फ लिख देने से, ट्विटर पर या अखबारों में खबर देने से योगी जी का कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि अधिकारी जो हैं, यहाँ तक के ख़ास तौर से वो अधिकारी जो न्यायालयों में, अदालतों में बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर से चकबंदी अधिकारी हों, ज़मीनों के जो अधिकारी होते हैं, जिनकी जो ज़मीनों की देख रेख करते हैं, किसी भी तरीके से हों, तहसीलदार हों या उपसंचालक हों चकबंदी के, ये ऐसी गुंडागर्दी कर रहे हैं इस वक्त में कि जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। जो पैसे देता है ज़मीन उसकी कर दी जाती है, और कहा जाता है कि भूमा भी ऐसे ज़मीन छोड़ा ली, यानी जिसकी ज़मीन थी उसकी छीन ली गई और गुंडों को ज़मीन दे दी जाती है। इस तरीके का माहौल यूपी में बना हुआ है। अब जो वीडियो थी, वीडियो आप देखेंगे, वीडियो के अंदर जो दिखाया गया है, वो दावा किया गया है कि जुमे की नमाज़ के लिए एक शख्स है जो मुसलमान है, नमाज के लिए जा रहे हैं, और उनको जो है पुलिस ने मदद की है नमाज की अदायगी के लिए। तो बहुत अच्छी बात है अगर पुलिस ऐसा काम कर रही है। पुलिस तो सबके लिए है, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए है। लेकिन अंधभक्तों की इन चीज़ों से मिर्ची लग जाती है कि भाई तुम नमाजियों की मदद क्यों कर रहे हो, तुम मुसलमान हो क्या, तरह तरह की ये इस तरह के कमेंट करते हैं। ये उनकी गधों की या फिर अंधभक्तों की या फिर मुल्क के दुश्मनों की, मुसलमानों की तो हैं, मुल्क के दुश्मनों की ये गंदी सोच है जो मुल्क को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही पुलिस वालों को तहे दिल से सलाम करना चाहिए और ऐसे लोगों को सलूट करना चाहिए, और ऐसे ही लोग तारीफ़ के मुस्तहिक होते हैं। खैर, जो भी बात थी और जो भी आपकी राय हो कमेंट करके ज़रूर करें, चैनल को आके मैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे बढ़िया फोटो रहेगी, अंकल भैया आएगा।